मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल शिवा ओम्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतना जबरदस्त फ्लैट लेके आया हूँ ना, आप लोग मुझसे बार बार बोलते रहते हो कि मुकेश जी मुझे बीच में नहीं चाहिए, नवादा में के पास नहीं चाहिए, नहीं मुझे चाहिए द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास, कि द्वारका जाना आसान है। तो आज आपका भाई बिल्कुल द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन के नजदीक में आपके लिए फ्लैट लेके आया है। और क्या फ्लैट लेके आया, पूरा ओवरव्यू सुनना है बिल्कुल आखिरी तक। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपने प्यारे से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरे वीडियो एंड तक देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ में जो ऑल वाला बटन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इस तरीके के जो प्यारे प्यारे फ्लैट और जड़ से जो मैं आपके लिए मकान लेके आता हूँ उसकी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू। लगभग 110 गज का, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपने, लगभग 110 गज के कवर्ड एरिया में आज मैं आपके लिए आपका भाई 3 BHK फ्लैट लेके आया है। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है, लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है, कार पार्किंग मिल रही है, फ्रंट साइड का है, 20 फुट चौड़ी रोड सामने मिल जा रही है, कनेक्टिविटी, जो द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली यहाँ से 700 या 800 मीटर की दूरी पे, बिल्कुल सीधा नाक की सीट पे जाना है मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। 10 रुपए लगते हैं ई रिक्शे से, सीधा घर के बाहर छोड़ देता है। कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है, मेन रोड भी उतनी पास है। अब अगर आपको लगता है कि आसपास की जो सराउंडिंग्स है वहां पे आपको जो भी छोटी बड़ी मार्केट है वो मिल जाती है, और सारी चीजें जो है जैसे कि पानी का आपका मीटर हो गया, बिजली का मीटर हो गया, सब कुछ आपका भाई आपको करके दे रहा है। तो चलते हैं अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और अपने 3 BHK के प्यारे से आशियाने में चलते हैं। रेट आखिरी में बताऊं, ठीक है। अंदर जैसी मैं यहाँ से एंटर किया मैंने, एक तो मैं पहली बात आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे बजट का है, बार बार मैं आपको आखिर में भी यही बोलता रहूंगा, कम बजट का है, बहुत अच्छा वेंटिलेशन के साथ है, अच्छी फैसिलिटी देखेंगे। सीढ़ी इतनी चौड़ी हवादार सीढ़ी, यानी कि आपको यहाँ पे भी वेंटिलेशन पूरी मिल रही है, पूरी ग्रिल लगी हुई है SS फिनिश पर। जब मैं ऊपर आता हूँ तो बिल्कुल सामने आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, ये हमारा लिफ्ट एरिया है। और एक बात यह है कि समझने वाली, आप मुझे हर बार बोलते हो कि डिस्टर्बेंस कम रहे, यानी कि आपको इंडिपेंडेंट फ्लैट में लेके आया हूँ या एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट होने वाला है, वो भी आपका होने वाला है, पूरी प्राइवेसी। और अब मैं लिविंग एरिया में खड़ा हूँ और देखें क्या शानदार लिविंग एरिया, इतना बड़ा लिविंग एरिया आप देखेंगे एंड टू एंड। और उसमें जब शानदार जो चीज दिख रही है आपको, सबसे पहले वॉलपेपर देखो क्या फिनिशिंग है, क्या बिल्कुल डिफरेंट थीम है, बहुत स्मार्ट हमारा वॉलपेपर लग रहा है। यहाँ पे स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको दे दिया, फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत ही जबरदस्त, और बीच में ये जगमगाता हुआ सा झूमर कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल सामने वाली वॉल पे आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे शेल्फ के साथ ओपन ड्रॉर और क्लोज ड्रॉर के साथ में आपको बड़ा सा LED पैनल मिल जाता है। इतना ही नहीं, वेंटिलेशन मैंने आपको बताया था जबरदस्त मिलने वाली है, तो लिविंग एरिया भी आपकी एग्जॉस्ट से कनेक्टेड हो जाती है, आप लिविंग एरिया भी जो है वो आपका शाफ्ट से कनेक्ट हो जाता है, पूरी वेंटिलेशन आपको यहां मिल जाती है। फ्लोरिंग आप देखोगे यहाँ पे अच्छी प्यारी सी ब्रांडेड विट्रीफाइड टाइल आपको मिल जाती है। तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे आपको यहाँ पे देखेंगे एक तो मजबूत दरवाजा, साथ में आपको ये इंटरकॉम की सुविधा मिल रही है, कोई भी आपके घर में एंटर करेगा पहले आपकी परमिशन लेगा, आप इसमें जैसे भी एल टाइप वो टाइप जो जैसा भी सोफा लगाना चाहते हो इजीली लगा सकते हो। अब थोड़ी सी प्लेसमेंट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल अगर रखना चाहते हो 2-seater 3-seater वो रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, जैसा आपका मन करे। अब मैं यहीं से आपको लेके चलता हूँ अपने किचन एरिया में। भाई साहब क्या शानदार किचन, मतलब ऐसा डिवाइड किया है ना ये एल में लगेगा ना ये यू में लगेगा, लेकिन बहुत स्पेशियस किचन होने वाली है, हर चीज का बिल्कुल सेपरेट प्रोविजन है। अगर आप यहाँ पे बर्तन धो रहे हो तो बिल्कुल अलग सेक्शन दिया है, आपको RO गिफ्ट मांगते रहते हो, वैसे मैं गिफ्ट देता नहीं हूँ क्योंकि मैं क्वालिटी और मजबूती और सिक्योरिटी देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे गिफ्ट मिल दे रहा हूँ, आपको RO मिल जाता है। चिमनी आपका भाई आपको यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है, यानी कि जो अगर बर्तन धो रहा है तो अलग सेक्शन है, खाना बना रहा है तो अलग सेक्शन है, सारे ड्रॉर्स आपको अच्छे मिले हैं। और वेंटिलेशन यहाँ पे भी आपको शाफ्ट का प्रोविजन एग्जॉस्ट लगा सकते हैं।
स्मार्ट सी किचन में आपको 5 फीट तक ऊंची आपको यहाँ टाइल मिल जाएगी, गंदगी नहीं होने वाली है। अच्छी क्वालिटी का पत्थर आपको लगा के दे दिया है यहाँ पे, यानी बहुत शानदार, और पूरी हाइट तक आपको लेवल तक वो दे दी है। अब आपका जो फ्रिज का सेक्शन रहेगा, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, स्पेशल आपके जगह बना रखी है यहाँ पे भी, या कुछ प्रोविजन आप अपने हिसाब से देते हो। तो ये मेरा किचन का एरिया था, बिल्कुल लिविंग एरिया से कनेक्टेड हमारा सबसे पहला बेडरूम आ जाता है। बेडरूम का साइज काफी अच्छा खासा आपको यहाँ मिल रहा है। वॉलपेपर आप देखोगे बहुत ही स्मार्ट अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपको यहाँ वॉलपेपर मिल जाता है। ये भी शाफ्ट से कनेक्टेड है और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन देखिए क्या जबरदस्त लाइटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ में, अच्छा पीओपी का काम और एक फैन आपको यहाँ मिल जाता है। इसके साथ में आप यहाँ देखोगे स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको यहाँ मिल गया, अपना जो भी बेड टाइप है वो लगा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट बेडरूम से जब बाहर आ रहा हूँ, ये मेरा किचन का सेक्शन था, और अब मैं अंदर की तरफ चला हूं जैसे ही, तो यहाँ मेरा मास्टर बेडरूम आ जाता है। अब इसकी एक और यूएसपी है, इंडिपेंडेंट भी है, कार पार्किंग भी है, लिफ्ट भी है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास भी है, और 2 कमरे बालकनी से कनेक्ट हो रहे हैं। ये मेरा पहला मास्टर बेडरूम है। आप देखोगे वॉलपेपर बहुत स्मार्ट सा, अच्छे प्यारे प्यारे फूल, फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत ही अच्छा, चमकदार लाइटिंग के साथ में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है अटैच टॉयलेट बाथरूम, अच्छी टाइलिंग का काम करके दे रखा है। सैनिटरी फिटिंग जो है आप देखोगे अच्छी क्वालिटी की मिलेगी आपको यहाँ पे। साथ में आप यहाँ पे अपना विंडो एसी का प्रोविजन कर सकते हैं, आप अपने विंडो एसी लगा दिया, और ये पहला रूम है जो बालकनी से कनेक्ट होता है। अब बालकनी का साइज भी काफी अच्छा है, काफी बड़ा है, यहाँ पे आप अपना मशीन प्लेस कर सकते हैं। और इसी से कनेक्ट होते ही मैं अपने थर्ड बेडरूम में आ गया। अब थर्ड बेडरूम में आप देखोगे वॉलपेपर फिर से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में, बहुत स्मार्ट सा वॉलपेपर है, फॉल सीलिंग स्मार्ट, एक ब्रांडेड फैन मिल गया। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की, पूरी हाइट तक मैंने दे दी है, काफी स्पेस, तो ये वार्डरोब का आ जाता है। और यहाँ से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बिल्कुल साथ में मेरा कॉमन वॉशरूम आ जाता है। अब इसमें कॉमन वॉशरूम में आप देखोगे सारी चीजें कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ पे गीजर का प्रोविजन मिल गया है, ये भी आपकी तरफ से गिफ्ट मिल जा रहा है। यानी कि इसमें आपको रेट भी जबरदस्त मिलने वाला है, कनेक्टिविटी बढ़िया मिलने वाली है, फ्री गिफ्ट्स की भी आपको यहाँ पे भरमार लगी है। और एक और धमाका आप लोगों के लिए कि अगर आपको फ्लैट नहीं लेना, आपके दोस्त को फ्लैट लेना है और आपने उसको रिकमेंड कर दिया और उनकी डील फाइनल हो गई, तो आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर है। नीचे दिए गए नंबर में भाई को कॉल करना है, तब मैं आपको बताऊंगा क्या धमाकेदार ऑफर है, और इसका रेट नक्शा समझ आ गया तो अभी कॉल करना, मात्र 2 फ्लैट बचे हुए। इतनी अच्छी लोकैलिटी में 110 गज में 3 BHK निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, आपका भाई आपके लिए निकाल के लेके आया, तो जल्दी से कॉल करना है। फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ, जहां मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कोई चीज लेके आऊंगा आपके, जी हाँ आपके टेस्ट और प्राइस के हिसाब से। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।